का स्वागत है हमर किचन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मठरी की रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मठरी है। आज हम इसे कैसे बनाएंगे, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम मठरी बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मठरी हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं और उसमें डालने वाली सामग्री देख लेते हैं। ये मैदा है और ये एक कप दही है और ये अजवाइन है और ये खाने का सोडा है और ये करायत है और ये मोवन के लिए तेल है, स्वाद अनुसार नमक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम मठरी बनाएंगे। जो मठरी में सामग्री लगेगी उसे एक बार देख लेते हैं। ये मैदा है फ्रेंड्स और ये अजवाइन है और खाने का सोडा है, करायत है और नमक है स्वाद अनुसार। ये एक कप दही है और ये मोवन के लिए एक कप तेल है। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक थाली ले लिया है, अब हम इसमें मैदा डाल लेते हैं। ये 2 कप मैदा है फ्रेंड्स, हम 1 कप और मैदा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 कप मैदा ले लिया है। बीच में ऐसा जगह बना लेंगे। ये मैंने तेल लिया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं और डालडा भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने मोवन के लिए तेल लिया है और ये खाने का सोडा है। थोड़ा सा करायत है। एक चम्मच हमने अजवाइन लिया है फ्रेंड्स, इसे हम क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। ये कस्तूरी मेथी है फ्रेंड्स, इसे भी हम डालेंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये जो हमने 1 कप दही लिया था इसे भी डालेंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके ये हमने कप में पानी लिया है फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका डो बना लेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह एक चौकी ले लेंगे। इस आटा की छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे हम। देखिए इस तरह बनाकर
सभी को रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सबके ऐसी छोटी छोटी लोई बना ली है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके मटर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक हम लोई ले लेंगे और इस तरह हल्का से दबा लेंगे इसे हम, और हल्के हाथों से इसे हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है हमें इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे इतना मोटा रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है हमें, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। और ऐसा एक चम्मच ले लेंगे और उसे बीच में से ऐसा कट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मठरी बनके तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम सबको बना लेते हैं। हमारी मठरी बनके तैयार हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे तल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, तेल भी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। हम इसे ज़्यादा तेज आंच में नहीं डालेंगे, गैस का फ्लेम हम कम रखेंगे, इसे कम आंच में सेकेंगे। इसे हम सिम में ऐसे ही सेकाने देंगे थोड़ी देर। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमारी मठरी तला गया है, अब हम इसे पलट लेते हैं। सभी को हम धीरे धीरे से पलट लेंगे। इस साइड भी इसे सेकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मठरी दोनों साइड सेका गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, और बचा है उसे भी से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मठरी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये मठरी की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।